हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स का आखिरी हमारा ज्योग्राफी का क्लास है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है सिक्स का, अब हम सेवन्थ का शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी भारत की जलवायु और वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में देखना है। तो एक बार आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा है। देखिए अब हम शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते हैं। देखो हम क्या करते हैं, मौसम के बारे में न्यूज़ में देखते हैं, आजकल तो रील्स हो गया और शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हो गए, उसमें देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं या फिर एक दूसरे से बात करते हुए देख ले सुनते हैं कि आज यहाँ पे ऐसा बारिश होगा ऐसा। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है, देखो मौसम और जलवायु में डिफरेंस आपको समझना है। मौसम क्या है, मौसम जो है ना वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, मतलब कि दिन और प्रतिदिन में चेंज होता रहता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। देखो कभी कभी सूर्य निकला हुआ है, फिर कभी कभी बारिश होने लगता है, इस तरह से। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा हो सकता होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होने लगती है, कभी कभी धूप हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई हम गर्मियों में ऊनी कपड़े थोड़ी पहनेंगे, हम तो एकदम पतला पतला कपड़ा पहनना चाहते हैं गर्मियों में। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते होंगे, मतलब गर्म चीज़ नहीं खाना चाहते होंगे। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आप मतलब ठंडी आता है तो हमें क्या उलट चीज़ें पहनने का मन करता है ना, ऊनी वस्त्रों को पहनना पड़ता ताकि ठंड ना लगे। और ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं उस टाइम पर और हम गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में मौसम प्रमुख होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। दिसंबर तेज से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है सर्दी का, मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है, जून से सितंबर तक ये का वर्षा वाला होता है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जून से सितंबर तक का। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का समय होता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का समय होता है। मानसून आने का समय कब होता है, जून से सितंबर तक, दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है, ठीक है। अब शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। देखो ठंडे मौसम में जो सूर्य है ना, मान लो ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया, इसकी सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। सीधी किरणें नहीं पड़ती जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है, उत्तर भारत का जो तापमान होता है वो कम होता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, मतलब एकदम सीधी आके यहाँ पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्मी गर्म एवं शुष्क पवने बहती है जिसे लू कहा जाता है। लू बहता है ना दिन के टाइम पर गर्मी में, देखिए कितना ज़्यादा बहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह मानसून के आने का इंटर करने का टाइम होता है और आगे बढ़ने का। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। इस टाइम जो हवा होता है कहाँ बहता है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवने पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। जब ये पवने क्या करती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं तभी वर्षा होता है। फिर मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु हम देखते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मतलब लौटते टाइम कहाँ पे बारिश होता है, तो भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर कहाँ पे, तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है अक्टूबर टाइम पे। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई, मतलब बहुत सारे मौसम में मापी गई औसत की दशा को हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जा सकता है। देखो मानसूनी जलवायु तो है, चेंज होता रहता है ना। मानसून शब्द जो है ना, मानसून शब्द कहाँ से आया है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो होती है मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। देखो भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर ही तो निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर अच्छा वर्षा होगा तो अच्छे फसल होंगे। किसी स्थान की जलवायु की स्थिति उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। बिल्कुल होता है, जैसे राजस्थान में देख लो और हम लोगों को क्या देख लो। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जो है जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान में कौन से दो जगह हैं, जैसलमेर और बीकानेर, बहुत ज़्यादा गर्म है। जबकि लद्दाख के द्रास को देखिए और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती रहती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है, जैसे कोलकाता हो गया, ठीक है,
मुंबई हो गया, समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, मेघालय में स्थित मौसिनराम में होता है। कहाँ पे? मौसिनराम में। जब किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती, जबकि देखो मेघालय के मौसिनराम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा वहीं होती है, और उसके बाद वहीं राजस्थान के जैसलमेर में कई कई वर्षों मतलब बारिश ही नहीं होती है, ऐसा होता है, जैसे मान लो इसी साल ना हुआ हो इस तरह से। प्राकृतिक वनस्पति, हमने अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखा है, हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, भाई हम लोग को तो बहुत पसंद है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। देखो झाड़ी हमने देखा है ना, जैसे करेले का पेड़ देखो यार, हम लोग तो जान जाएंगे उसको देखेंगे झाड़ी जैसा होता है। और कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस हो गया तथा फूलों वाले पौधे हो गया, जैसे गुड़हल का हो गया, ये सब। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ बहुत शाखाएं पत्तियां होती, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, तो ये सब कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक किस्में, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, ये सब। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम होते हैं, जैसे नारियल हो गया, इसमें नहीं होते ना। घास झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भाई देखो उसको मनुष्य थोड़ी ना उगाने आ रहा है, कोई इसको पानी वानी तो दे नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे ना। क्या आप कभी कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल, देखो अलग अलग जलवायु में अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे आम का मौसम है, आम मिलता है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है देखो वहाँ पे बहुत घना हरा, अभी का टाइम देखो गाँव में जब जाओ तो देखो हरा भरा है पूरा। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? भाई वन की आवश्यकता तो हमें हर चीज़ के लिए होती है। वन हमारे लिए बहुत बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्यों के मतलब विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ी मिट्टी को बांध कर रखती है, तथा इस प्रकार की वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। उसकी जड़ें जो होती है रूट हो वो बांध के रखती है, तभी तो हम वो लोग क्या करते हैं मिट्टी के अपरदन को टूटने से बचाते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी और लाख, शहद, गोद इत्यादि प्राप्त होती है। और भाई वनों में लकड़ियाँ ही होती है, लकड़ियों से पेड़ों से ही तो मेडिसिन वगैरह बनते हैं। वन्य जो होते हैं ना, वन्य जीव के प्राकृतिक निवास है। वन जो है वन्य जीव की, जो वन में जीव रहते हैं उनके प्राकृतिक निवास है। जैसे हो गया हमारा हाथी हो गया और शेर वगैरह हो गया। पेड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में वनस्पति समाप्त हो गई है। हम तो देख ही रहे हैं, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे उनकी रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बिल्कुल, देखो वन में ही तो विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। वनों में जंतुओं की हजार प्रजातियां पाई जाती है। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट तथा कर्मियों का भी निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, ये तो हमें पहले से ही पता है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। बिल्कुल, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एक सींग वाले गैंडे असम में घूमते हैं। देखो आपसे पूछ लेगा हाथी हो गया, फिर एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे होते हैं? असम में पाए जाते हैं, काजीरंगा, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये भी याद रखिएगा। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान यानी हमारे राजस्थान में। जंगली गधा कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हीम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत दूसरे जानवर जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, सियार तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे, भेड़िया हो गया, नील गाय हो गया, चीतल हो गया इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियाँ भी एक मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे उद्यान हैं, यानी जो नेशनल पार्क हो गए या फिर पक्षी उद्यान हो गए जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ठीक है, नेशनल बर्ड मतलब कि पार्क। उद्यान शिकारियों के से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये छोड़ो, हमारे काम का नहीं है। भारत में सांपों के सैकड़े प्रजातियां पाई जाती है। यस, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अब से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। उनमें सबसे प्रमुख कौन है? कोबरा और करैत। कोबरा और करैत जो है ना वो प्रमुख है। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है और उसमें कोबरा और करैत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन जिनकी प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं।
बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, मतलब ताकि जो बचे उनको बचाया जा सके। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना शुरू किया है, हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारतीय कुछ पशु विहार तथा मानचित्र में उनकी स्थिति बता सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह के बारे में बताने के लिए कह रहा है। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंग जैसे हड्डी हो गया, सींग हो गया, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, और हम वो परफ्यूम भी हो गया उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि हिरण को ही तो मार के लोग बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव के सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो हमारा ये जो चैप्टर था ना, ये समाप्त हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। एक चीज़ ये याद रखिएगा, देखिए आपको कैपिटल तो याद ही होगा, पूछ लेता है, वैसे ये तो दिया हुआ है, हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं। नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी 49 है और हिंदी में भी, और 49 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर से करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।